हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की एक इस क्विक ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है और तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, आप उसको किस तरह फिक्स कर सकते हैं। तो वीडियो की जानिब जाने से पहले मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्द अज़ जल्द चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको बरवक्त मिल सके। तो दोस्तों, ये ट्रांसेंट कंपनी का एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव मेरे पास था जो काफ़ी अरसे से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मैंने इंटरनेट पर काफ़ी सर्च करके कुछ मेजर इशूज़ इसके मैंने वो फाइंड कर लिए, उसके बाद इसका सोलूशन भी मैंने फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आपका एक्सटर्नल जो हार्ड डिस्क है अगर वो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, शो नहीं कर रहा है, तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना यूएसबी केबल जो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, इसको सबसे पहले आपने चेंज करके देखना है। और आपने ये देखना है, पहला मेजर इशू जो होता है, जो मेन इशू होता है अक्सर दोस्तों के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, आपने ये चेक करना है, जैसे कि आपने इसको हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट कर लिया, मैं अभी इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। आपने इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लिया, अगर लाइट जल रही है यहाँ पर, कनेक्ट हो रहा है लेकिन फिर भी शो नहीं हो रहा है, तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है, लाजमी नहीं कि हर हार्ड डिस्क के साथ लाइट हो, आप हाथ में उठा के इसकी वाइब्रेशन चेक कर सकते हैं, अगर वाइब्रेट हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके कंप्यूटर और हार्ड डिस्क के दरमियान कनेक्शन है। तो अगर फिर भी अगर आपका कंप्यूटर में ये हार्ड डिस्क शो नहीं हो रहा तो इसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि आप जिस पोर्ट में यूएसबी पोर्ट में लगा रहे हैं उसको चेंज करके देख लें। आजकल की जो नए लैपटॉप्स कंप्यूटर्स वगैरह हैं उसमें बहुत सारे पोर्ट्स बने होते हैं, आप यूएसबी पोर्ट चेंज करके देख लें, मैं 80% कह सकता हूं कि आपका काम हो जाएगा। अगर उसके बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि दूसरा इशू जो होता है, दूसरा जो इशू होता है वो होता है ड्राइवर्स का, यूएसबी ड्राइवर्स का इशू होता है। आप अपनी कंपनी का नाम गूगल पर लिखें, उसके आगे ड्राइवर्स लिख के इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ से आप ड्राइवर्स ज़रूर डाउनलोड करें। ये विंडोज़ 10 और 11 में ये इशू नहीं आता है, विंडोज़ 7 से अगर पुराना कोई विंडोज़ या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये ड्राइवर्स का इशू आ सकता है। दूसरा जो इशू होता है वो ड्राइवर्स का इशू होता है। अगर तीसरा जो होता है वो मैंने सबसे पहले बताया पावर आपका यूएसबी केबल का, दूसरा मैंने आपको बताया यूएसबी पोर्ट का, और तीसरा मैंने बताया ड्राइवर्स का। अगर उसके बावजूद भी आप चेक कर लें, अगर आपके हार्ड डिस्क में लाइट नहीं आ रहा है, लाइट नहीं है, हाथ में उठा के देख लें, हाथ में उठा के देखने के बाद अगर इसमें कोई वाइब्रेशन कोई फील नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है आपका हार्ड डिस्क ख़राब हो चुका है। तो इसके लिए आपने ख़ुद इसको ओपन नहीं करना है बल्कि ये किसी टेक्निकल बंदे के पास लेके जाएं, शॉप पे लेके जाएं, वो आपको ठीक करके देगा। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास कोई सेंसिटिव डेटा है, आपकी अपनी पर्सनल डेटा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ख़ुद ही इंटरनेट पर सर्च करके सबसे पहले डेटा रिकवरी कर लें किसी तरीके से और इसको ठीक करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।